सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Instagram यूज़ करते हैं और आपको आपके Instagram में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये एरर आ जाता है पेज इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, दिस मे बी बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल एरर दैट वी आर वर्किंग टू गेट फिक्स द री अपलोडिंग द पेज। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, आप बार बार रिफ्रेश करते हैं तो बार बार आपको फिर से ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप अपने Instagram को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये टेक्निकल एरर हो सकता है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इस एरर को दूर करने के लिए मैं क्या करना है। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर यहाँ से आना है, बैक इंस्टाग्राम से बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सबसे पहले इंस्टाग्राम को सर्च करना है। इंस्टाग्राम यहाँ पर इंस्टाग्राम आ चुका है। सबसे पहले इंस्टाग्राम को यहाँ से अपडेट कर लीजिए, देख सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है। मे भी हो सकता है मुझे इस अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर अपडेट करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है फिर मैं आपको बता दूँगा इसका क्या करना है। ऊपर जाएंगे आप, ऊपर आपको देखने को मिलेगा एयरप्लेन मोड आपकी नोटिफिकेशन बार में, या फिर आप मोबाइल की सेटिंग में जा सकते हैं और वहाँ पर फ्लाइट मोड आप सर्च कर सकते हैं या एयरप्लेन मोड सर्च कर सकते हैं, आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगा। इस एयरप्लेन मोड को आप जैसे ही अनेबल करेंगे 10 सेकेंड के लिए आपको इसको ऑन कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब जो अगर मुझे इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो मेरी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर मुझे जो भी मेरे नेटवर्क्स वगैरह हैं वो रिफ़्रेश होकर आ जाएंगे और मेरा इंटरनेट भी अच्छा खासा चलने लग जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम जो है इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ये काम आपको जरूर कर लेना है। देन उसके बाद आपको इसके बाद क्या काम करना है, आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐप्स, ऐप्स पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद सर्च बार है, सर्च बार में आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम यहाँ आ चुका है तो यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर स्टोरेज है, स्टोरेज पर क्लिक करिए। देन नीचे क्लियर डेटा है, क्लियर डेटा पर आइए और सबसे पहले इसका क्लियर कैश कर दीजिए। क्लियर कैश करने के बाद आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर क्लियर कैश करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसका क्लियर ऑल डेटा आपको कर देना है। और क्लियर ऑल डेटा करने से पहले आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है, अगर आपको आपके पासवर्ड का नहीं पता इंस्टाग्राम के तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर डेटा नहीं करना है क्योंकि आप लॉग आउट हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर लीजिए जो आपको रखना है वो सब, तब आप इसको लॉग आउट कर लीजिए। अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता होगा तभी आप लॉग इन कर पाएंगे फिर से। तो आप यहां से क्लियर और डेटा कर दीजिए, देन उसके बाद आपको आना है बैक। ये सब काम करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको जो है अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। किसी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन APK। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट निकल कर आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है ओल्ड वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम, ये अप डाउन वाली, अप टू डाउन वाली। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको बहुत सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे, वो भी डेट वाइज। आपको कम से कम 1 मंथ पुराना जो है कोई भी वर्ज़न उठा लेना है। सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पर 28 मार्च का उठा लेता हूँ और यहाँ पर उसको यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये वर्ज़न डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इस वर्ज़न को यूज़ कर सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब तक आपको वो प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व नहीं होता है। सो गाइस उसके बाद जो है आप अपना अपडेट कर लीजिए, इसको अपडेट करने के बाद फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आपको मिल जाएगी। सो गाइज अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए कोई और सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।